हेलो नमस्ते खुलुम भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज जो है ना, मैं एक नया रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ जिसे मैंने काफ़ी दिन पहले इंटरनेट पे देखा था और मैं सोच रही थी कि मैं इसे ट्राई करूँगी और फाइनली आज मैं ट्राई कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी कि ये जो है ना खाने में कैसे बना है। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग को व्हाइट एग को जो है अलग करना है और योग को जो है अलग करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले का दो तो मैंने परफेक्टली अलग किया, लेकिन तीसरा जो है मैंने थोड़ा मैसी कर लिया क्योंकि मेरा पहली बार था, पहला एक्सपीरियंस था तो थोड़ा खराब हो गया। फिर भी मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके व्हाइट एग को अलग करूं और योक को अलग करूं। अगर आप लोग को अच्छे से आता है तो प्लीज अच्छे से कर लेना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हाइट एग को जो है मैंने थोड़ा सा शुगर देके अच्छे से फेंट लिया। तो हैंड विस्कर की मदद से मैं फेंट रही थी पहले, फिर मुझे लगा कि इससे काफी वक्त लग जाएगा जैसा मैंने वीडियो में देखा था वैसा बनने में। फिर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर था तो फिर मैंने इसी से कर लिया और ये परफेक्टली बन गया। और इधर योक में अभी मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया और को भी हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसको जो मैं बना रही हूँ ना, थोड़ा सा डाउट है कि यह कैसा बनेगा, तो जल्दी से बना लेते हैं और देखते हैं। तो इन दोनों को भी अच्छे से मुझे मिक्स करना है। मैं इसे भी फिर से हैंड विस्कर की मदद से दोनों चीजों को अच्छे से फेंटूंगी ताकि ये दोनों चीज जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं हमारा फ्लफी एग ऑमलेट। तो यहाँ पे मैंने स्किलेट बिठा दिया है, आप लोग चाहे तो तवा, स्किलेट, पैन कुछ भी बिठा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बटर दिया है और बटर को मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी चारों तरफ। और मैंने फ्लेम को जो है ना लो फ्लेम पे रखा है। बटर को मैंने अच्छे से चारों तरफ फैला दिया और अभी मैं फेंट के रखा हुआ एग को यहाँ पे दे रही हूँ। और इसको जो है ना, मैं पहले सोच रही थी कि एक ही बनाऊंगी, फिर मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर मैंने दो बनाने का सोचा। तो सबसे पहले वाला है ये। तो अभी ना हमको इसको लो फ्लेम में ढक के रखना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है ना, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है। और अभी जो है ना, इसको हाफ फोल्ड करके ऐसे पलटना है और आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया कलर आया है और इसका स्मेल जो है ना बहुत ही अच्छा आ रहा था बटर की वजह से। और बहुत ही फ्लफी हुआ है साथ में, कितना डिलीशियस लग रहा है खाने में। तो जैसे कि आप लोगों ने लुक तो देख लिया, तो मैं इसको खा चुकी हूँ, अभी इसका मैं टेस्ट भी आप लोग को बता देती हूँ। तो मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था, लेकिन ये जो है ना आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं नया कुछ ब्रेकफास्ट के लिए। और आप लोग ना इसे मेहमान को भी सर्व करके दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, फ्लफी सा। थोड़ा टेस्ट केक का टेस्ट जो है ना थोड़ा सा अलग आया है, तो आप लोग ये नया ट्राई कर सकते हैं। और हाँ गाइस, आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज ना मैंने अपने बालों पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने अपने बालों का कलर किया था खुद से घर पर ही, क्योंकि कभी कभी खुद का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। इसलिए मैंने अपना बालों का कलर किया था क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं थोड़ा हेयर कलर करूँ अपना। इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया वैसे तो, लेकिन ये धूप में ना बहुत बढ़िया से कलर आता है क्योंकि अभी मैं रूम के अंदर हूँ, तो आप लोग को इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा। तो जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया ना, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा, तो सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं, शायद आप लोग के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया वो है बी ब्लंड का सैलोन सीक्रेट 5 मिनट्स हेयर कलर, शैम्पू हेयर कलर है ये। बस 5 मिनट्स में मतलब बहुत बढ़िया से कलर हो जाता है, बहुत ही हैसल फ्री एप्लीकेशन है इसकी। और इसका जो है ना आप लोग मतलब 8 वीक्स तक ये लास्ट करता है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। इतना इजिली है इसका मतलब एप्लीकेशन की आप लोग जैसे शैम्पू करते हैं ना वैसा ही है बिल्कुल भी। तो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे कैसे यूज किया। हम लोग को यहाँ पे अलग अलग सेट जाएंगे और मैंने जो सेट अप्लाई किया है वो है सेट नंबर 3 चॉकलेट डार्क ब्राउन। और आप लोग को इस पैकेट में ऐसे 5 सैशे मिल जाएंगे जिसे आप लोग अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 2 पैकेट अप्लाई किया। और आप लोग को ऐसे ग्लोव्स भी मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग को ग्लोव्स पहन लेना है अपने हाथ में। और आप लोग देख सकते हैं मेरा पहले का हेयर, एज होने से पहले कुछ ग्रे हेयर अंदर से निकल आया है और यहाँ पे साइन थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा हेयर कलर करना चाहती थी, तो अभी हेयर कलर कर लेते हैं। तो चलिए अभी इसे अप्लाई कर लेते हैं। हमें ड्राई स्कैल्फ में इसको अप्लाई करना है बालों में अच्छे से, तो मैं इसे ग्लोव्स हैंड में अच्छे से मिक्स को मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है। ये हेयर कलर जो है ना सैलोन सीक्रेट टॉनिक एंड प्लांट कैरेटिन का ब्लेंड है जो हमारे हेयर को लॉन्ग लास्टिंग साइन एंड नरिशमेंट देता है। सिल्क प्रोटीन जो है ना हमारे साइन को इन्हांस करता है और हमारे हेयर के इलास्टिसिटी को भी एड करता है, साथ में हमारे जो ब्रेकेजेस है उसको भी प्रिवेंट करता है और हमारे हेयर में मॉइस्चर देता है। और प्लांट कैरेटिन जो हेल्प करता है हेयर के मॉइस्चर के बैलेंस को बनाए रखने में और हमें नेचुरल स्मूथनेस साइन एंड स्ट्रेंथ देता है। और मैंने हेयर कलर को 3 मिनट्स के लिए अच्छे से मसाज किया, अभी हमें इसे 5 मिनट्स रखना है, उसके बाद हम अपने बाल को धो लेंगे।
और 5 मिनट बाद मैंने अपना बाल धो लिया और बाल अभी अच्छे से सूख चुका है और इसके रिजल्ट से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। 5 मिनट्स में मुझे परफेक्ट सैलून लाइक हेयर कलर मिल गया और बाल जो है ना बहुत ही ज्यादा नरिश लग रहा है, काफी सॉफ्ट फील हो रहा है और मेरे जो ग्रे हेयर है ना वो फुल्ली कवर हो चुके हैं। और बी ब्लंड जो है ना एक प्रीमियर हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड है। बी ब्लंड से जब भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमारे ऑर्डर के लिंक को वो लोग वुमन एम्पावर में जोड़ देते हैं अलोंग विद संभव फाउंडेशन। तो वो लोग ये मिशन लेके चल रहे हैं कि देश भर में 10,000 वुमन एम्पावर करें। एक दूसरा सेट भी परचेस किया जो कि है नेचुरल ब्लैक में, तो ये मैं मदर इन लॉ पे ट्राई करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग को ये बी ब्लंड का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर नायका में भी आप लोग को ये मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं छेत्री 20% ऑफ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा धो के अभी रेडी हूँ मैं। हम एक्चुअली दीदी के घर में जाने वाले हैं, दीदी ने लंच के लिए इनवाइट किया है क्योंकि आज जो है ना हमारा छोटा भांजे का बर्थडे है, यस का बर्थडे है, तो वहीं पे जाने वाले हैं माँ मैं और रियान। हस्बैंड नहीं जा सकते, आप लोगों ने देखा है कि मिस्त्री लोग आए हुए, तो उन लोगों का काम देखना पड़ेगा। देखते कि हम लोग आने के बाद वो जा सकते हस्बैंड या फिर हम उनके लिए पैक करके लेके आ जाएंगे यहीं पे। तो अभी हम जाने वाले हैं, मैं रेडी ऑलमोस्ट, मतलब ऊपर का कपड़ा यही पहन लूंगी, बस धोखना चेंज करके निकलना है और रियान को भी रेडी करना है। तो मिलते हैं। रियान रेडी माँ भी रेडी, अभी हम जाते, तुम रहो घर में ही, मिस्त्री लोगों को देखना है, बाद में जाएंगे हम आने के बाद पापा ना। चलो 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 जल्दी जल्दी केक काटना है। नहीं पिल पिले ना गुया ने लामा थप्पुई थप्पुई जिन ले फुगो 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 ये इसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेना है। बर्थडे गिफ्ट भी क्या हुआ उसका, सब बर्थडे से पहले ही दे देना हुआ। हाँ भी कल स्वेटर सब खरीदे थे वो भी दे दिया, तो आज लेके जाते कुछ, वैसे भी आज बर्थडे है ना, फिर बच्चे लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या मिलता है देखते। आओ बाबा ये दुकानों में मन है दादा ने स्पाइडरमैन दादा ये स्पाइडरमैन मजा मन है स्पाइडरमैन मन आ ली आओ ए आओ ना दुकान कपड़ा ही ले लिया, येलो कलर का कुछ नहीं मिलेगा और दूसरा ये ले लेते ठीक ना दे दे हैप्पी बर्थडे इसका नहीं रहो हरियाणा माला का चोको पाए मिठाई भी बहुत सारा ले लिया, मिठाई तो नहीं नमकीन है ये हरियान कपड़ा ही ले लिया मैंने, कुछ था भी नहीं दूसरा ऑप्शन। ओ देखो ये गिर गया मुझे था भाई बाबा दादानि बार्थडेआव फैनानै गोलियो मोजां थाबाय नायनानै गाहायाव नायनांगौ थाबायबा दे हेपी बार्थडे ये 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 वाव रियानका गिफ्ट पेनाय देखुन टी-शर्ट चलो चलो ए हस्मिता से मत आंस फुला सा ना माथे हैप्पी बर्थडे ना के सुना नंगे दादा को मुसी को नहीं थे कौन भाई ने कौन भाई है यार तू ना है किने दे गुड बॉय बर्थडे ने दादा को खुदम दम फ्रेंड दादा को दे बर्थडे ने बाबा खुदम दे हंदे ये नहीं मेरे केक कर दे हैप्पी बर्थडे दादा हैप्पी बर्थडे हंदे चल ये रियान आ गया ना हाँ बोलते मा सुन दो मा और सुन रहे वाओ चिप्स विजय हुई हैप्पी बर्थडे नंसे नंगुदा जीजू भी नहीं है
में है, हम ही चेकअप करना पड़ेगा, वो भी वीडियो कॉल करके देखेंगे बोल रहे, फोन करना पड़ेगा अभी। केक काटने का टाइम हो गया रियान का ना, ओ यस का, सॉरी रियान ही बोल दिया, रियान तो देखो, हाँ 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 सॉरी गलती हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। इधर देख रहे हैं नूडल्स मत है, हाँ नूडल्स मत है, हाँ देखो मां, दे Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Yas, happy birthday to you. Clip kalam tu baba, mana clip kalam ke? Wow, adir nang kena? Nang. Nang jadi papa. Papa kau bikin lah tu. भावन भी तो ही था। बुज़ा बुज़ा देर नहीं नहीं। दिया नहीं जाना वो। मामा को बोलो बाबा को बोलो बाबा को नाम लाए तुम तो यह कर बाबा को तुम बाबा ने दोही नहीं से दोही तो देखो बाबा ने नहीं कुछ पापा को नाम लाए आम खाया तो ना ले चीज़ आने को बोलूँगा तो ना दे यानी जाते हैं दे लिखा करूँगा तो आंको बोलूँगा दे लड्डू भी है लड्डू भी है ओ लड्डू से खाए बर्थडे पार्टी ना सन फाइव सर नहीं नो यू से नो कुछ सुधर गया ये उठ देता हूं ये का पाइस बाइट हम भी खाते हैं यस का बर्थडे पार्टी का क्या था ये मिठाई ना क्या ना दूध ने बना ले भगवान ना ओ दे गोको को दे दे वाह यान तो ज्यादा खा रहा है टेस्टी है निको को आज का बोल दो खाओ खाओ ये ज्यादा जी दादी आन को ब दे दे गस को दे मैं गस को दे अभी खूब खाना साना रेडी है अभी खा लेते ना पक गया क्या क्या मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये है फिश और टोमेटो जस्ट बनाई है और यहाँ पे तो राइस ठीक है था ये और ये लाफा है लाफा बॉयल और ये है ना पोर्क खाते अभी किले मामन मत दिन दिया था ओ मस्ती फ्राई गुड हो नाम क्या है नूरुस ना वो अंगला का ये ले रुस मार क्या ना वो बाहर नूरुस हेलो सुबह ना बेटी अभी मन कुछ खाते खाते हम खाने के बाद मिलते हैं हमारे बड़े भैया भी आ गए ना एग्जाम है ना भाई का उसमें बर्थडे में ही खाओ जस्ट आया स्कूल से मिठाई नहीं मिला डायरेक्ट खाना ना इधर इधर ओमा से ये पीछे चुपा भी लेके जा रहे लास्ट गिफ्ट बर्थडे नहीं दे स्कूल में थे ज्यादा वो फरी खा वाओ 300 No, oh, three and then come on. Bye, birthday boy. Bye, bye. Jira, jira, jira. Nani kaan de de. Jira, biyam jira. Nani kaar baishe. Aam ya aswa kabin ho. Aswa ya aswa. Maam aur puri na aswa surit man baya. Aswa katra baya. Puri bo karna. Oh, hai na chhinda mana aswa thara tein Yes, Adi, bye. Bye.
विदाई में रोता है हमेशा यहाँ से गाबन फैगन ना जो दिन थे गाबन फैन मनगन दा बाय बाय हिंदे बाय बाय हिंदे गासको बाय बाय जुबदे दे बाय बाय जी 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 आगे देख के चलो फिर तभी का जैसा गिरेगा पहुंच गए हम लोग ना और देखते कितना काम हुआ है ठीक है पहले जाके हम लगा लिया सिंक भी लगा लिया काम चल रहा है खत्म ही होने वाला है 4 बजे तो चले जाएंगे ये देखो